आप सभी को जय श्री श्याम। पितरों की सीरीज आगे बढ़ती जा रही है। आज हम आ पहुंचे हैं भाग नंबर 11, पार्ट 11 में आज हम प्रवेश कर चुके हैं। आज का टॉपिक है कि बाल पितरों को खुश कैसे किया जाए, प्रसन्न कैसे किया जाए। जैसा कि हमने पीछे की वीडियो में बताया है, पीछे के 10 भाग आ चुके हैं जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस वीडियो की एंड स्क्रीन के रूप में मिल जाएंगे। आप सभी को देखने चाहिए। जब तक आप उनको नहीं देखोगे ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। पितरों के ऊपर पूरी सीरीज चली हुई है जिसमें इसी यूट्यूब चैनल पर हर रोज 3 वीडियो आती हैं, एक सुबह 11 बजे, एक दोपहर को 3 बजे, एक रात को 8:30 बजे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पितरों के बारे में बताया गया है। अगर आप अपनी और आने वाली पीढ़ी की भलाई चाहते हैं तो आपको देखनी ही पड़ेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आगे जैसा आपका मन करे आप कर सकते हो। अगर लगे कि यह वीडियो किसी भी प्रकार से हमें ज्ञान दे रही है, हमारा भला कर रही है, तो आप अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनका भी कल्याण हो सके। बात करते हैं बाल पितरों के ऊपर। बाल पितर होते कौन है? जो बच्चे माँ के पेट में 3 महीने से लेकर 11 वर्ष की उम्र तक चले जाते हैं, मर जाते हैं, उनको बाल पितर या देव पुत्र कहा जाता है। वैसे तो बहुत रेयर चांस होते हैं, बहुत कम चांस होते हैं कि ये पितर की श्रेणी में जाएं, लेकिन अगर चले जाते हैं पितर की श्रेणी में तो ये मोस्ट पावरफुल चीज यही होती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अभी तक ना तो इनके कर्म शुरू हुए हैं, ना इनको पाप मिलता है, ना इनको पुण्य मिलता है। इन्होंने अपनी शक्ति भी अपने अंदर ही रख रखी है, अपनी शक्ति को खर्च नहीं किया है। तो सबसे पावरफुल चीज पितरों में बाल पितर होते हैं। ऐसे में अगर कोई दुष्ट व्यक्ति इनको अपने कब्जे में कर ले, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि कोई ना कोई तांत्रिक बैठा ही रहता है कि किसी बच्चे को कोई जमीन में दफना के जाए, मैं उसको निकाल लूं, उसको सिद्ध कर लूं, क्योंकि ये सबसे पावरफुल चीज होती है भाई, इसलिए इनको सिद्ध करने के लिए बैठ जाते हैं। तो जिसके घरों में बाल पितर हैं, अगर या तो बाल पितर जल्दी से नाराज नहीं होते, अगर उनको समय पर उनकी पूछताछ करते रहेंगे ना तो नाराज नहीं होंगे, लेकिन अगर नाराज हो जाए तो इनको मनाना भी बहुत कठिन होता है। तो ऐसे में हम सभी क्या करें जिससे हमारे बाल पितर खुश रहें? अगर आपके बाल पितर खुश हैं तो भी ये जानकारी आपके लिए है, नाराज हैं तो भी आपके लिए है। बाल पितरों को खुश करने का बिल्कुल सिंपल सा उपाय है, अगर आप करना चाहो तो। अगर आपको लगे किसी से पता चले या आपको बार बार बच्चे से ओपन में दिखाई दें तो सोच लेना आपके बाल पितर हैं। ऐसे में अमावस्या के दिन 7 या 11 लड़कों को, लड़के ना मिले तो लड़कियों को, लड़कियां हैं तो लड़कियां ही बैठाओ, लड़के हैं तो लड़के ही बैठाओ अमावस्या के दिन 7 या 11, और उन सभी जिनकी उम्र 5 वर्ष से कम हो, 5 वर्ष की हो या 5 वर्ष से कम हो, उन बच्चों को भोजन करवाओ अपने बाल पितर का नाम लेकर। अगर आपने उनका नाम ही नहीं रखा था, उससे पहले ही वो चले गए, तो संकल्प लेकर अपने पूजा स्थान पर या अपने वैसे ही किसी खाली स्थान पर बैठकर बोलिए कि मेरा नाम ये है, पिता पति का नाम ये है, हाथ में जल लेके बोलना है, और इस समय मैं अपने बाल पितरों के नाम से इन बच्चों को भोजन करवा रहा हूँ, करवा रही हूँ, तो मेरे बाल पितर आपका कोई नाम तो था ही नहीं, तो मैं आपको अपने पितर रूप में स्वीकार करके आपके नाम से इन बच्चों को भोजन करवा रहा हूँ, आप इस पूजा को, इस भोजन को ग्रहण करिए, और किसी भी प्रकार से अगर आप नाराज हैं तो हमसे प्रसन्न होइए, उन बच्चों को भोजन करवाओ। भोजन के बाद उनको 11-11 रुपए दक्षिणा दो। उन बच्चों को चॉकलेट अवश्य बांटना, चॉकलेट क्योंकि बच्चों के लिए ही होती है। दूसरी बात, चॉकलेट से पितर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। अब कोई ये ना समझे कि पहले चॉकलेट नहीं होती थी, इसलिए हमने चॉकलेट शब्द क्यों यूज किया है, बड़ी सोच समझ के यूज किया है। हमने एक दो प्रेमी के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था और वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, इसलिए हमने चॉकलेट शब्द आपके सामने यूज किया है, जो कि आसानी से अवेलेबल हो जाती है और बच्चे उसको खा लेते हैं। ये नहीं कि उसको फेंक देंगे, रख देंगे कोई और ले, नहीं, उसको बच्चे खुश होकर खाते हैं। और जब पितरों के द्वारा दिया गया भोजन बच्चे खाते हैं तो पितर हमारे अपने आप प्रसन्न होते हैं। बच्चों में चॉकलेट बंटवाइए, खिलौने छोटे छोटे कोई भी खिलौने बच्चों को, जो बच्चे आपने बैठाए हैं उनको कोई भी खिलौना, गुड्डे गुड़िया जो भी आपसे अवेलेबल हो सके उनको दीजिए अपने पितरों के नाम से, और उन्हीं बाल पितरों के नाम से अगर किसी लड़की की शादी हो रही है तो कन्यादान लिखवाइए। अब कन्यादान में आपको उनका नाम नहीं लिखवाना, आप मन में स्मरण करिए कि मैं अपने उस पितर के नाम से ये दान कर रहा हूँ। नाम चाहे आप अपना भी लिखवा सकते हैं या आप गुप्त दान में भी लिखवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है।
जब तीन अमावस्या आप ऐसा काम करोगे, तीन अमावस्या में जो आपके बाल पित्र हैं वो प्रसन्न होकर आपको दर्शन भी देंगे, आशीर्वाद भी देंगे। और याद रखना, बाल पित्र एक ऐसी शक्तिशाली शक्ति है जो आपको कुछ भी लाकर दे सकती है, कुछ भी कुछ भी कुछ भी, सर्वशक्तिमान है ये। और जिनके घर में बाल पित्रों की सवारी आती है या बाल पित्र जिनके घर की रखवाली करते हैं, कोई भी शक्ति उनकी तरफ आँख उठाकर नहीं देखती। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट पावरफुल चीज़ है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आई होगी जानकारी। अन्य प्रेमियों के साथ जरूर साझा कीजिए ताकि उनके भी जो बाल पित्र हैं वो शुद्ध एवं सिद्ध रूप में उनके घर पहुंच सके और वो भटकने से बच जाएं। जय श्री श्याम।